हेलो किड्स, वेलकम अगेन माय मैग्निफाई अबैकस सेंटर। पिछली हमारी क्लास में हमने पढ़ाई करी थी, अबैकस के बारे में मैंने आपको बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको अबैकस के बारे में बताया था कि इसके थ्रू हम हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आपको इसके बारे में ही बताया था, और अब मेरे ख्याल से आई होप आपने इसको परचेज कर लिया होगा अपने आसपास के मार्केट से या फिर किसी शॉपिंग साइट से। तो अब आपके पास में, सबके पास में ये अबैकस है, ये टूल है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने एक ये ड्रॉ किया हुआ है, ये अबैकस है, ठीक है। मैंने अपने ये इसको सेम इस तरह से बनाने की कोशिश की है, तो मैं आपको इसके थ्रू एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस outer line is called the frame of abacus, then this is the center, this is the line, it is called beam, okay, and these are the bar or rods, it is called rods or bar, okay, and this is the center point, center, आप अपने abacus का जो भी center है, आपको पता है center क्या होता है, half of this side and half of right hand side, half of left hand side, and the middle is called center. So middle of the rod, it is called unit rod. इसको क्या कहते हैं? Unit rod. यहाँ एक आपका rod दिया हुआ होगा, आप देख सकते हो 1, 2, 3 मेरी इधर है, 1, 2, 3 मेरी यहाँ है, और ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन, it is called unit rod. आप सब बच्चे अपनी मैथ्स की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मैम जब मैथ्स कराती है तो हमको बोलते हैं ये वंस है, फिर उसके बाद में टेंस, उसके बाद में हंड्रेड, उसके बाद में थाउजेंड, ठीक है, ये सारा होता है, और उसके बाद में आपके पास 10,000 एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो मैंने आपको ये बताया कि ये यूनिट रॉड, ये टेंस की रॉड, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड, ये सारी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। ये अबैकस का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जितनी भी ये रॉड्स हैं, जितनी भी यूनिट रॉड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी हैं, वो है हमारी टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस तरह से हमारी आगे होती जाएगी, लैक्स एंड 10 लैक्स एंड एटसेट्रा, ओके। देन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वी हैव टू यूज फॉर द डेसिमल्स, तो ये अभी हमको नहीं करने हैं, अभी हम सबसे पहली क्लास में हैं, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखना है, सिर्फ हमको ये पता करना है कि अबैकस में क्या है। अबैकस में आपको नीचे दिख रही है लोअर बीट्स, लोअर, ये हमारा अबैकस, इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स में आपको दिख रहा होगा, ये अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में हमारे पास कितने बीट्स है, 1, 2, 3, 4, each rod has 4 beads, each rod has 4 beads, you can see 1, 2, 3 and 4, 4 beads hai, and upper bead is only 1, upper bead has only 1 bead, so what is the value of these beads, kya value hai inki, so lower beads yani chota, हमारी क्लास में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको छोटी ही वैल्यू देते हैं, जैसे कि लोअर बीट्स है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 है, सेकंड लोअर बीट्स आल्सो 1, थर्ड लोअर बीट्स आल्सो 1 एंड फोर्थ लोअर बीट्स आल्सो 1 एंड फिफ्थ, ये अलग से है, यानी कि अपर बीट, यानी कि बड़ी क्लास में बड़ा बच्चा, और बड़ा बच्चा है तो उसकी एज भी बड़ी होगी, छोटे बच्चे हैं तो छोटी एज होती है, बड़े हैं तो बड़ी एज होती है, इसी तरह से ये बड़ा है और अलग है और ऊपर है, इसलिए इसकी वैल्यू है 5, क्या कितनी वैल्यू है 5, और सब नीचे वालों की कितनी वैल्यू है 1, 1, 1, 1, 1। अच्छा एक चीज और, ये जो बार है अभी तक इस पे एक भी बीट टच नहीं हुई है, व्हेन यू प्लेस योर अबैकस दिस टाइप, व्हेन यू प्लेस योर अबैकस दिस टाइप ऑन योर बोर्ड, देन इट इज लुकिंग लाइक 0, ये एक भी इस बार को, जब तक एक भी बीट बार को टच नहीं करेगा तब तक इसकी वैल्यू रहेगी 0, इस अबैकस की वैल्यू रहेगी 0, व्हेन वी क्लियर दिस अबैकस, एक भी बीट कोई भी बार को टच नहीं करेगी तो उसकी वैल्यू रहेगी 0, और जैसे ही कोई भी बीट जिस
भी रॉड पे टच करेगी, जस्ट लाइक ये यूनिट रॉड है, यूनिट रॉड की एक बीट ने ऊपर यहाँ टच कर दिया, बीम से टच हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। ओके, अगर मान लीजिए दूसरी बीट और वो भी आ गई ऊपर, दूसरी बीट भी टच हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 and 1 2, तो कितना आंसर हो गया हमारा 2 बीट्स। जस्ट लाइक अगर यही बीट ये इस वाली टेंस की रॉड पे चली जाए तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, टेंस वाला 1 है, यानी कि 1 हियर एंड हियर इज 2, तो 1 2 12, 1 और 2 कितने होते हैं 12। ओके, नाउ अगर यही बीट्स एक और 100 वाली पे हो गई है तो ये क्या हो गया 112। ओके, इट इज कॉल्ड 112। दिस इज नाउ, अब आपको पता चल गया है कि जब भी कोई बीट्स इसके टच होगी बीम के तभी उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब आप सोचोगे कि मैम ये 5 वाली वैल्यू, अगर ये 5 यहाँ टच कर जाएगा तो हम इसको ऊपर से काउंट करेंगे, नॉट नीचे से नहीं करेंगे कि 1 2 हो गया 5 हो गया, अब हमको तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नो, डोंट डू लाइक दिस, दिस इज काउंटेबल लाइक दिस, 5 में 1, 5 और 1, 5 के बाद क्या आता है एक और बीट टच हुआ तो 6, उसके बाद एक और बीट टच हो गया तो 6 के बाद क्या आता है 7, अगर मान लीजिए एक और बीट टच हो जाता है तो फिर ये 6 के बाद क्या हुआ 7, 7 के बाद ये क्या है 8, और एक और बीट टच हो गई तो 9। ओके, इज दैट क्लियर? तो हमारी सारी कैलकुलेशन ओनली वंस की रॉड पे है 9। अगर आप सभी रॉड पे, अगर आप सभी रॉड पे सारी बीट्स को टच कर देंगे तो सभी रॉड पे 9 9 की वैल्यू है, इस पर भी 9 है, इस पे भी 9 है, इसकी भी अगर हम टच कर दें 5 यहाँ आ जाएगा, 1 बीट यहाँ आ जाएगी, 1 बीट 1 बीट, क्यों होगा ऐसा 9, इसको भी क्यों 9 बोलेंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू वही सेम है 5 6 7 8 and 9, एंड दिस इज ऑल्सो 5 6 7 8 9, लेकिन हमको सबको उसको अलग अलग बोलना है। कैसे बोलना है, यहाँ पे भी 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गई, यहाँ पे भी 9, ये क्या थी यूनिट रॉड, ओके, ये क्या थी टेंस की रॉड, और ये क्या है 100 की रॉड। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड 999। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफी है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।